पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने दौरे के दौरान जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जमकर खिंचाई की थी। धूमल ने कहा था कि जसवा परागपुर एवं अन्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने स्कूलों में डिग्री कॉलेज के फट्टे लगाने शुरू कर दिए हैं। धूमल के इस बयान पर जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र काफी विफर गई है। जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी एवं कांग्रेस सरकार में रहे कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया ने धूमल पर जुबानी हमला किया है। मनकोटिया ने धूमल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उन्होंने दो बार मुख्यमंत्री रहते एक कार्यालय भी बताएं जो उन्होंने जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में खोला हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो कई कॉलेज खोले हैं और क्षेत्र में विकास करवाया है। मनकोटिया ने कहा कि धूमल सांसद अनुराग ठाकुर एवं स्थानीय विधायक विक्रम ठाकुर को वे चैलेंज करते हैं कि तीनों नेता एक भी विकास का कार्य बताएं। एक भी हम इनको चैलेंज करते हैं, धूमल जी को, अनुराग जी को, विधायक विक्रम ठाकुर जी को खुले मंच में कहीं भी आ जाएं, जो हमने चीजें कराई हैं और इम्प्लीमेंट भी हुई हैं। उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है, ऑफिस खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं। कोई भी हमारी जो है जो भाषण में राजा साहब पीछे बोल के गए थे, कोई भी डिमांड बाकी नहीं है। पर धूमल जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कोटला में जो बोल गए हैं उसका जवाब है कि एक ऑफिस गिरा है, सिर्फ एक, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, हमने अपने गिरा दिए हैं।